दिस इज़ ब्रिज फ्रेंड्स, इसे ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ, जो एक नेविगेटिंग ऑफिसर जिसको वॉच कीपिंग ऑफिसर कहते हैं वो सारी चीज़ें देखता है। उसकी वॉच में मुझे सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये कुछ कंट्रोल पैनल्स हैं, लाइट्स हैं, शिप की लाइट्स हैं, कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, रेडार है, रेडार के कंट्रोल्स हैं। ये एक डिस होता है, उसका कंट्रोल है। ये कॉलिंग करने के लिए टेलीफोन दिया है। बाकी दोस्तों, जिस तरह से आपकी कार में सारी गियर्स लगाने के लिए होते हैं, उस तरह से यहाँ पे ये गियर, इसको टेलीग्राफ कहते हैं। ये जहाज का स्टीयरिंग होता है, जहाँ से जहाज को चलाया जाता है। अभी ये ऑटो पायलट पे है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है। अदरवाइज़ जब शिप किनारे जाता है तो यहाँ पे एक हेल्समैन होता है, वो हेल्समैन स्टीयरिंग करता है। ये बाउ थ्रस्टर कंट्रोल पैनल है। ये फिर से सेकेंड एग डिश, सेकेंड रेडार, दिस इज़ कॉल्ड VHF, वाइपर कंट्रोल भी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये वाटर टाइट डोर्स का इंडिकेटर है। अगर कोई डोर वाटर टाइट डोर खुला है तो यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है। दिस इज़ बाइनोकुलर, दीज आर द पोर्ट पेपर्स एंड समथिंग विच चीफ ऑफिसर हैव टू प्रिपेयर। ये उसे बनाना होता है, अपना सामान रखा हुआ है। ये रहा ब्रिज का व्यू फ्रेंड्स। जहाज के ब्रिज पे जहाँ से जहाज चलता है वहाँ पे एक छोटा कॉफ़ी शॉप भी होता है। ये शिप ब्रिज से बाहर निकलेंगे आप, इसे ब्रिज विंग कहते हैं। दिस इज ब्रिज विंग। वो जो सामने दिख रहा है गोल सा, वो सर्च लाइट होता है, जो पायरेसी एरिया में या रात में कुछ सर्च करना हो तो सर्च के काम आता है। ये दोबारा मैं ब्रिज के अंदर एंटर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये चार्ट रूम है, जहाँ पे सारे चार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम नेविगेशन करते हैं, यहाँ पे पोजीशन प्लॉटिंग करते हैं। ये फ्रेंड्स, नीचे जैसा आप देख रहे हैं GPS नंबर 2 है, ऊपर आपका नेवटेक्स है, यहाँ पे नेविगेशनल इंफॉर्मेशंस आती हैं। ये फ्रेंड्स इको साउंडर है, जो कि अभी स्विच ऑफ करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो इको साउंडर का कोई यूज़ नहीं है। ये शिप का मास्टर क्लॉक है। ये वेदर फैशिमाइल है फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको वेदर फैशिमाइल क्या करता है, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें भी वैसे ही अलग अलग स्टेशनों से रिपोर्ट्स आती हैं, जो कि यहाँ पे प्रिंट होके इस टाइप से दिखता है। इसे देख के हमें वेदर की रिपोर्ट मिल जाती है। ये फ्रेंड्स स्पीड इंडिकेटर है फॉरवर्ड बाउ का। ये छोटा सा जो है ये कोर्स रिकॉर्डर है, जो कोर्स को रिकॉर्ड करता है, अभी जहाज कौन सा कोर्स कर रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दिखाई देती हैं। एज अ रिकॉर्ड इसे रखा जाता है। ये कम्युनिकेशन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, जिससे हम यहाँ से शोर में ज़मीन पे सारे इंफॉर्मेशन कंपनी को भेजते हैं। इनमारसैट सी, NBDP, LRIT, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। प्रिंटर है, कंप्यूटर है, ये सारी पब्लिकेशन फ्रेंड्स शिप पे जो पब्लिकेशन चलाने के लिए यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट ARS वॉल्यूम्स, रेडियो सिग्नल्स, गाइड टू पोर्ट एंट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ ब्रिज पे लगी होती हैं। तो फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, मैंने ब्रिज का पूरा टूर कराया आपको, एक तरफ से दूसरी तरफ ब्रिज में क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट मैंने अभी दिया आपको। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जो सी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है दोस्तों।